नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाना बिछुआ के ग्राम खमरा में करीब 14 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। बिछुआ पुलिस और छिंदवाड़ा आबकारी विभाग ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। जी हां, आपको बता दें, बिछुआ के ग्राम खमरा में निजी मकान में अवैध रूप से रखी शराब की सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और जिला आबकारी टीमों ने मौके पर जाकर दबिश दी, जहाँ मकान में अवैध रूप से रखी 125 पेटी विदेशी शराब पाई गई। एसटीओपी चोरई पीएस बालरे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को 4 बजे मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम खमरा के गोपाल वर्मा के मकान में बड़ी मात्रा में अवैध शराब रखी है। मकान किराए से ग्राम खमरा का निवासी होटल संचालक कमलदास यादव ने लिया था। सूचना पर थाना प्रभारी और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दबिश दी गई। दबिश में अवैध रूप से रखी 125 पेटी विदेशी शराब, जिसमें फोकस नंबर 1 विस्की, रम, बैकपाइपर, ऑफिसर च्वाइस कंपनी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 13,23,830 रुपये आकी गई है। अज्ञात आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना जारी है। उक्त कार्रवाई में बिछुआ टीआई राजाराम दुबे, रत्तीराम अहिरवार, आबकारी विभाग से सचिन श्रीवास्तव, पुलिस विभाग से प्रधान आरक्षक लता श्रीवास, मिथिलेश साहू आरक्षक, अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एवं आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि खमरा रोड पर भारी मात्रा में शराब रखी हुई है। इस सूचना पर आबकारी विभाग छिंदवाड़ा एवं थाना प्रभारी बिछुआ अपने स्टाफ के साथ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक अग्रवाल के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव वीके साहब के मार्गदर्शन में रह कार्रवाई की गई, जहाँ पर लगभग 125 लीटर अंग्रेजी शराब, 125 पेटी, कुल 1,112 लीटर शराब मिली, जिसकी कीमत अभी लगभग बाजार से आंका जा रहा है 13,23,840 रुपये। बाकी अभी जब्ती करके कार्रवाई की जा रही है। समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।